सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सस्पेंशन सिस्टम इन डिटेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, शॉक एब्जॉर्बर एंड फ्यू अदर टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम विच वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर लास्ट सेशन। सो in our last session we have discussed about this table, this is the broader classification। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि left side में आपको spring type of suspension system बताया था जिसमें steel spring हम लोगों ने detail में discuss किया था, that is leaf spring, tapered leaf spring, coil spring and torsion bar। ये हम लोग already कर चुके थे हमारी last class में। Now today we have to move further and we will cover rubber springs। Okay, so rubber spring have different types in which we will study about compression spring, compression shear spring, steel reinforcement spring, progressive spring, face shear spring, torsional shear spring. So these are six different types of rubber springs which we are going to cover. Then we will cover three different types of springs also. We have plastic springs, then we have air spring which is also called air suspensions, and we have hydraulic spring. So this air spring we have mentioned over here also in our classification, so we will cover it only once, and hydraulic spring we have covered over here also, hydrostatic suspension. So we will going to discuss about these things. Then we will discuss more about independent suspension system in which we will cover wishbone or parallel link type, Mac-Pherson screw, vertical guide type, trailing link and swinging half axle types. Okay. Then we will also cover shock absorber. So what is telescopic shock absorber? We are going to discuss it in detail. So I think today's lecture will be interesting one for all of you. So let's start from the rubber spring. हम सबने नाम सुन रखा है rubber spring, but हमें लगता है कि rubber हमारे किस तरह से काम आ सकता है, because हमें लगता है कि steel is much more it have much more strength also and it can take high loads. बट यदि हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों को स्टील स्प्रिंग से नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जांपल यदि हम वेट की बात करते हैं तो ये वेरी हाई वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो इज देयर, तो वहां पर हम लोग देखते हैं स्टील स्प्रिंग हम लोगों के लिए एक ड्रॉबैक है। दूसरा, आवाज बहुत ज्यादा करती है स्टील स्प्रिंग्स तो, और कोरिजन के लिए काफी प्रॉन रहती हैं, और यदि हम बात करें तो जो उनका मटेरियल है वो काफी स्टिफ होता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें रहती हैं स्टील स्प्रिंग में। यदि हम रबर स्प्रिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो वी हैव सेवरल एडवांटेजेस ऑफ रबर स्प्रिंग। इट कैन स्टोर ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट वेट देन द स्टील। यदि हम कंपेयर करें एनर्जी पर यूनिट वेट, तो रबर का आपका ज्यादा आपको मिलेगा, दिस रेशियो इज ग्रेटर फॉर योर रबर स्प्रिंग। सिमिलरली फॉर दिस रीजन रबर स्प्रिंग सिस्टम्स कैन बी मेड मोर कॉम्पैक्ट। तो जो रबर स्प्रिंग्स आप देखेंगे वो गाड़ियों में जहां भी लगी होती है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाई जा सकती है। ओके, द रबर हैज एक्सीलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टीज। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है रबर की कि वो क्या करता है, वाइब्रेशंस को डैम्प कर लेता है, यानी वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और वो आगे ट्रांसमिट नहीं करता है। लेकिन स्टील की यदि स्प्रिंग होती है उसमें थोड़ा सा भी एक एंड पे वाइब्रेशन आता है तो वो उस पूरी वाइब्रेशन को क्या करता है, अपनी दूसरे एंड से पास ऑन करता है, वो खुद कुछ भी डैम्पिंग नहीं करता है। राइट, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ रबर। देन द एब्सेंस ऑफ स्क्विंग। स्क्विंग का क्या मतलब है, बहुत तेज आवाज करती है। हमने जब लीफ स्प्रिंग पढ़ा था उसमें भी हमने वर्ड देखा था स्क्विंग, तो बहुत जब वो आपस में स्लाइड होती है तो वो बहुत तेजी से आवाज करती है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रबर स्प्रिंग्स के अंदर बिल्कुल एबसेंट होती है, इस तरह की आवाज हमारे को बिल्कुल नहीं मिलती है। देन द नंबर ऑफ बियरिंग्स इज रिड्यूस कंसिडरेबली फॉर रबर सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए, जब हम लीफ स्प्रिंग पढ़ रहे थे तो हमने बात करी थी दोनों आई एंड है हमारे पास में। राइट, दोनों आई एंड्स पे हम क्या करते हैं, बियरिंग्स लगा करके और उनको फिक्स एंड पे और शेकल एंड पे कसते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको डायरेक्टली कर देते हैं, वहां पर हम लोगों को बियरिंग मटेरियल यूज करना पड़ता है, बुश यूज करने पड़ते हैं। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पर बियरिंग मटेरियल कम से कम लेना पड़ता है, कहाँ पर, रबर स्प्रिंग की केस में या रबर सस्पेंशन की केस में। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस। देन रबर इज मोर रिलायबल, लॉन्गर लाइफ। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि रबर स्प्रिंग्स जो होती है वो रिलायबल होती है और उनकी लाइफ लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू योर स्टील स्प्रिंग्स। यदि हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे तो ऐसा क्यों हो रहा है,
कि रिलायबल क्यों है। यदि आप स्टील की स्प्रिंग देखेंगे तो यदि वो कहीं से ब्रेक होती है, टूटती है, तो वो आपके किसी काम नहीं आती और एकदम से वो चीज किसी भी तरह के एक्सीडेंट को इनवाइट कर सकता है, किसी भी तरह से बड़ा हादसा हो सकता है, राइट, क्योंकि वो एकदम से टूटेगी। लेकिन यदि हम बात करें रबर स्प्रिंग्स की, तो वो एकदम से डैमेज नहीं होती है, धीरे 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 प्रोग्रेसिवली वो क्या होती है, क्रैक उसमें बढ़ते हैं, तो हम लोगों को इतना टाइम मिल जाता है कि हम उसको रिप्लेस कर सके विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि एकदम से क्रैक नहीं होती है और हम लोगों के लिए फेलियर नहीं होता है। लाइक यदि हम इसको एक नॉर्मल भाषा में समझें कि एक यदि आपके पास आरसीसी का घर है और एक आपके पास पट्टियों का घर है, तो यदि पट्टियां आपके घर में है और यदि वो टूटती हैं तो वो सीधे नीचे गिरती हैं, लेकिन आरसीसी यदि आपके पास है तो वो क्या करती है, उसमें क्रैक भी आ जाता है तो वो ग्रेजुअली नीचे गिरती है। एक मतलब उसके नीचे कोई ऑक्यूपेंट है, कोई भी अंदर रहता है, तो वो एकदम से उसके ऊपर नहीं गिर जाएगी, लेकिन पट्टी जो होगी वो क्रैक होती एकदम से नीचे गिर सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टील स्प्रिंग आपको एकदम से डैमेज पहुंचा सकती है, जबकि रबर स्प्रिंग विल गिव यू टाइम। ओके, सो दिस इज हाउ रबर स्प्रिंग इज मोर रिलायबल एंड लॉन्गर लाइफ। ठीक है, इसी तरीके से रबर सस्पेंशन कैन नॉट सडनली फेल्स लाइक मेटल स्प्रिंग, तो इस बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। देन वी हैव कंप्रेशन स्प्रिंग। तो रबर स्प्रिंग में सबसे पहला जो हम टाइप देख रहे हैं वो है कंप्रेशन स्प्रिंग। तो आपने रबर स्प्रिंग बहुत सारी जगह पे देखी होंगी। अब आप यहाँ पर राइट साइड में कुछ डायग्राम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये आपके पास रबर का ही बना हुआ है और इसमें स्प्रिंग टाइप का ही आपको शेप दिया हुआ है। तो इसमें क्या फायदा होता है कि ये जैसा आपका नॉर्मल स्प्रिंग काम करती है, कॉइल स्प्रिंग काम करती है, उसी तरीके से ये स्प्रिंग भी काम करती है। सिमिलरली यदि आप राइट साइड में अपर वाला जो डायग्राम देखेंगे तो ये भी आपके पास रबर से बनी हुई है। तो जो कम फोर्सेस हैं, जहां पर ज्यादा फोर्सेस ट्रांसमिट नहीं करने होते हैं और वाइब्रेशन ज्यादा होती है, वहां पर हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग कंप्रेशन स्प्रिंग काम में लें। ओके, दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग इज स्टिल यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो क्यों क्यों लेते हैं, इट इज रिलायबल ऑफ सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्स नो बॉन्डिंग। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो है कि बहुत रिलायबल रहती है, दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है, जैसा कि हम लोग आगे चल के देखेंगे, हम लोग शॉक एब्जॉर्बर्स की बात करेंगे या फिर कॉइल स्प्रिंग में भी हम जो एंड्स की बात करते हैं या लीफ स्प्रिंग काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये काफी कम कॉम्प्लेक्स है एंड रिक्वायर्स नो बॉन्डिंग। हमें बांधने के लिए इसको किसी तरह की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, जहां भी सस्पेंशन है हम इसको बीच में लगा देते हैं, नट एंड बोल्ट्स हैं या जहां पर भी रॉड्स हैं उसके बीच में हम इसको लगा देते हैं, तो ये शॉक एब्जॉर्ब करने का काम कर लेते हैं। इसके लिए अलग से फिटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। इट प्रोवाइड्स ए राइजिंग ग्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को जो जो डैम्पिंग मिलती है वो काफी प्रॉपर मिलती है और अच्छी राइजिंग ग्रेड पे मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है हमारे लिए। देन वी हैव इट कैन रेजिस्ट ओकेजनली ओवरलोड ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सडन इम्पैक्ट आ जाता है। सडन इम्पैक्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और छोटे मोटे गड्ढे हैं, लेकिन एकदम से कोई ऐसा बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और यदि वो शॉक आपकी गाड़ी पे ट्रांसमिट होता है तो क्या होता है, आपकी यदि नॉर्मल स्प्रिंग होती है या स्टील स्प्रिंग होती है तो एकदम से क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, बकल हो सकती है। लेकिन रबर के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, एक बड़े से शॉक को भी एकदम से डैम्प कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा रबर स्प्रिंग के लिए हमारे पास एक एडवांटेज है। इट हैज ए लार्ज मेजर ऑफ इनहेरेंट डैम्पिंग देन मोस्ट टाइप ऑफ द रबर स्प्रिंग्स। तो जितनी भी अब हम आगे रबर स्प्रिंग पढ़ेंगे उनके मुकाबले यदि हम कंप्रेशन स्प्रिंग की बात करें तो डैम्पिंग बहुत अच्छी करता है, तो इसमें अंदर क्या है, वाइब्रेशंस आराम से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो दिस इज मोर एडवांटेजेस। हाउएवर इट्स यूज इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सम मैकेनिकल गाइड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग एंड प्रोविजन ऑफ मैकेनिकल गाइड इज जनरली अनडिजायरेबल। तो देखिए ये जहां पर भी आप लगा रहे हैं, अभी हमने बात करी कि ये किसी नट एंड बोल्ट के ऊपर में लगेगी या फिर किसी शाफ्ट के ऊपर लगेगी, क्योंकि इसको बीच में से हम हॉलो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें क्या है गाइड देना पड़ेगा, जिधर पे भी ये डैम्पिंग करेगा उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, हमें गाइड प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये डैम्पिंग कर सके। लेकिन यदि हम बात करें, बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं, यदि हम यहाँ पे गाइड दे देंगे तो हमारे पास हाइट जो है वो कंस्ट्रेंट हो जाएगी, तो हम लोग जो चाहते हैं इससे लाइक हम लोगों को जो शॉक एब्जॉर्ब करना है तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कंस्ट्रेंट पैदा हो जाता है और हम अवॉइड करते हैं इस तरह की गाइड्स को प्रोवाइड करना। तो ये एक लिमिटेशन है आपके पास कंप्रेशन स्प्रिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज कंप्रेशन शियर स्प्रिंग। तो देखिए कंप्रेशन शियर स्प्रिंग का मतलब क्या है कि ये दोनों काम कर रही है, इस तरह के रबर से बनी होती है ये। यहां पर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन तो करते ही है, कंप्रेशन मतलब कि ऊपर नीचे तो हो ही रही है जैसे अभी आपने देखा था लास्ट वाले डायग्राम में, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग भी होती है। शेयरिंग का मतलब क्या है कि आप क्रॉस सेक्शन पूरे जो आपके पास पेरिफेरी होती है उस पूरी पेरिफेरी में आप क्रॉस सेक्शन क्या करते हैं, एक जैसा नहीं बनाते हैं। आप क्या करते हैं, एक तरफ क्रॉस सेक्शन बड़ा बनाते हैं फिर एक तरफ छोटा बनाते हैं। आप यदि यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन ये बड़ा है, उसके बाद ये छोटा है और उससे भी छोटा है। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऐसे क्यों बनाए कि यदि ऊपर से किसी भी तरह से फोर्स आता है तो कुछ तो ये वॉल्स क्या करेंगी, उसको फोर्स को ले सकती हैं, कुछ क्या होता है ये शेयरिंग के कारण। तो शेयरिंग में क्या होता है, हमेशा हम जानते हैं कि आपका जो लाइन ऑफ जो फोर्स है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यदि हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो लाइन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, इसी तरह से सेकंड और थर्ड का लाइन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोड लगाते हैं तो ये शेयरिंग मोड में चली जाती है, यानी कि यहां से क्या होता है, रबर शेयर होने लगता है। तो शेयरिंग के कारण ही ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे में घुसने की कोशिश करेंगे एंड शेयरिंग लोड विल कम टू दिस। तो ये जैसे ही ऊपर नीचे होगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसको अलाउ करेगा अकोमोडेट करने के लिए, और इसी तरह से जो और छोटा वाला है वो इसके अंदर जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इस रबर पोर्शन के अंदर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कंप्रेशन शेयरिंग स्प्रिंग। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इसको लगाने के लिए हमने एक प्लेट यूज कर रखी है जिसको हम नट बोल्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप रबर का पोर्शन देख रहे हैं जो कि क्या टेपर्ड है। तो ये जो आपके पास अलग अलग क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज टू गेट शेयरिंग प्रॉपर्टी इन दिस। ओके, सो इन दिस टाइप द लोड इज कैरिड पार्टली बाय शेयर एंड पार्टली बाय कंप्रेशन। तो दोनों में क्या है, हम लोग कंप्रेशन से भी इसमें कुछ लोड ले रहे हैं और कुछ लोड हम शेयरिंग की वजह से ले रहे हैं। कंपोनेंट्स इन रबर एंड हैंस ऑल्दो लार्ज स्ट्रेंस मे बी अलाउड इन द रबर बॉडी, शेयर स्ट्रेसेस एट द बॉन्डेड फेस इज कैप्ट स्मॉल एंड फटीग प्रॉपर्टीज आर एक्सीलेंट। तो देखिए, हम लोग ज्यादातर तो कंप्रेशन से ही लेते हैं, लेकिन कुछ फोर्सेज हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग से लेते हैं। लेकिन यदि हम ज्यादा शेयरिंग पर इसमें फोर्स डालेंगे तो ये हो सकता है कि ये जहां से भी जुड़ा हुआ है ये यहाँ से फट जाए और यहाँ से क्रैक हो जाए इसके अंदर में। तो हम बहुत ज्यादा शेयरिंग के ऊपर में क्या करते हैं, हमारे फोर्सेस को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट योर शेयरिंग स्प्रिंग, और यू कैन कॉल इट कंप्रेशन शेयरिंग रबर स्प्रिंग। देन द नेक्स्ट वन इज हाउ रबर स्प्रिंग वर्क्स। तो देखिए, हम आपको एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनिमेशन, और आपकी रियलिस्टिक कंडीशन है कि किस तरह से रबर स्प्रिंग्स काम करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लीफ स्प्रिंग लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लगी हुई है कार के अंदर में, और हमने क्या किया है, जो आपके पास फ्रेम है उससे लेकर के और एक्सल के बीच में हमने क्या किया है, रबर स्प्रिंग को लगा रखा है। और इस रबर के अंदर आप देख पा रहे हैं लगातार किस तरह से, ये किसी तरह से यहाँ पर नीचे टच नहीं है, आप देख पा रहे हैं नीचे से इसके अंदर में क्या है, गैप है। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी ऊपर उठती है तो ये रबर स्प्रिंग जो होती है ये क्या करती है, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है और ये ट्रांसफर होने से ऊपर बचाती है आपके जो भी फ्रेम है या चेचिज है या ऑक्यूपेंट्स हैं, वहां तक ये जो शॉक्स होते हैं रोड के उनको ऊपर जाने से रोकती है। सो दिस इज हाउ योर रबर स्प्रिंग वर्क्स। ओके, सो इट इज ऑलवेज कैरिड इन एडिशन टू योर नॉर्मल स्प्रिंग। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक रबर स्प्रिंग लगा दी उससे काम चलेगा, ये एडिशनली यूज की जाती है इन योर सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, देन वी हैव स्टील रेइनफोर्समेंट स्प्रिंग। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो नॉर्मल रबर होता है उसमें स्टील की वायर्स को रेनफोर्स कर देते हैं। रेनफोर्स मतलब एक दूसरे के अंदर में हम घुसा देते हैं उसको, जैसे आपने RCC सुना होगा, तो उसमें क्या होता है बेसिकली स्टील की रॉड्स बीच में डाल देते हैं, उससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह से हमने क्या किया, ये जो आपके पास रबर की आपके पास स्प्रिंग थी उसको सिंपली रबर की ना रहने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर में स्टील की एक वायर साथ में डाल दी और स्टील की स्प्रिंग हमने इसके बीच में इम्पर्ज करा दिया है। लेफ्ट साइड में यदि आप देख पा रहे हैं तो आपको साफ क्रॉस सेक्शन में दिख रहा होगा कि ये रबर पोर्शन है पूरा, और जो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक, ये सारे डॉट्स किसके बता रहे हैं, स्टील वायर के। तो ये स्टील वायर पूरी पेरिफेरी में एज ए हेलिकल शेप में घूमता रहता है, और इससे आपकी जो रबर स्प्रिंग है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, स्टील रेनफोर्स्ड स्प्रिंग, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एलेगोज। ठीक है, स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ ए स्टील हेलिकल स्प्रिंग बॉन्डेड इन ए रबर बॉडी। तो रबर की बॉडी होती है और उसके अंदर में स्टील हेलिकल स्प्रिंग को हम लोग इनबॉन्ड कर देते हैं। द स्टील स्प्रिंगिंग दो कैरी ओनली अबाउट 20% ऑफ द लोड एक्सरसाइज अ स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द रबर कंपोनेंट, देयर बाय अलाउज ग्रेटर स्ट्रोक डायमीटर रेशियो टू बी यूज विदाउट अदर डिफॉर्मेशन और गाइड। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने स्टील की स्प्रिंग अंदर ले लिया तो ये सारे जो शॉक्स हैं उनको लेने के लिए हमने लगाई है। इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो है टू प्रोवाइड अ सपोर्ट टू दिस रबर स्प्रिंग। यदि हम रबर स्प्रिंग में स्टील नहीं लगाते हैं तो वो क्या होती है, अपने आप से डिफॉर्म हो जाती है और वो अपनी जो है एक्सिस को मिस कर देती है। तो स्टील लगाने से क्या हो जाता है हमारे पास में कि वो अपनी एक्सिस को मिस नहीं करती है और उसका अलाइनमेंट प्रॉपर बना रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो 80% लोड है वो लेता तो रबर ही है, सिर्फ 20% लोड जो है वो आपका स्टील स्प्रिंग ले रही होती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि इससे हम क्या करते हैं, बड़े डायमीटर के रबर स्प्रिंग्स भी बना सकते हैं। यदि हम नॉर्मल केस में बड़े रबड़ के बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, काफी
कह सकते हैं आपकी स्लैगी टाइप के होते हैं, जो कि अपने आप से लेफ्ट राइट भी कहीं पर भी वो क्या बोल सकते हैं इंक्लाइंड हो सकते थे। लेकिन यदि स्टील स्प्रिंग हमने उसके बीच में दे दिया है तो उससे क्या हो जाता है, उसका जो जो शेप है वो हमेशा एक प्रॉपर मेंटेन रहता है और वो किसी भी तरह से शॉक्स को प्रॉपरली ट्रांसमिट कर पाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, सो इन दिस डायग्राम आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव स्प्रिंग। तो प्रोग्रेसिव स्प्रिंग क्या होता है, इट हैज इनिशियली एन एक्सीडिंगली स्मॉल रेट विच राइज रैपिडली एज द सेंट्रल कैविटी क्लोजेस। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव टाइप की स्प्रिंग बनाते हैं रबर में, और इसकी जो शेप होती है वो कुछ अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसा कि हम यहाँ एक राइट में देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका एक स्प्रिंग है जो कि इस शेप में ही बनाई हुई है, ये कैविटी काटी हुई है। जैसे हम इसके ऊपर में लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा छेद, और ये जो आपके पास में रबर है ये नीचे तक आ जाएगा। लेकिन जैसे हम लोगों का लोड कम होगा तो ये एकदम से क्या करेगा, वापस से बाउंस बैक होने की कोशिश करेगा और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। तो बस यही जो चीज होती है, इसको हम लोग एज ए कुशनिंग काम में ले लेते हैं, एज ए स्प्रिंगिंग एक्शन काम में ले लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं कई तरह के अलग अलग प्रोग्रेसिव स्प्रिंग आपको दिखा रखी है। तो ये सारे रबर की बनी हुई है और इसमें अलग अलग शेप कटा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, यदि आप इसको कंप्रेस कर देंगे तो ये जो आपके पास जो स्लिट दिख रही है, ये स्लिट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन जैसे इसको मौका मिलेगा और जैसे इसको फोर्स रिलीज होगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज हाउ योर प्रोग्रेसिव स्प्रिंग वर्क्स। ठीक है, देन वी हैव फेस शेयर स्प्रिंग। तो ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हम जो शेयरिंग में काम में लेते हैं रबर को, वो लेते हैं फेस के ऊपर में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक डायग्राम दिखाया हुआ है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर मेटेलिक पोर्शन, और ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ये भी आपके पास मेटेलिक पोर्शन है, और इन दोनों मेटेलिक पोर्शन के बीच में ये वाला जो आपको राउंड पोर्शन दिख रहा है, ये आपका रबर जो है स्प्रिंग का काम करता है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम ग्लू कर देते हैं, इसको चिपका देते हैं आपके मेटल के साथ में। ठीक है, तो दोनों एंड पे, दोनों मेटल प्लेट के बीच में हमने क्या किया, रबर को चिपका दिया। तो ये कैसे काम करेगा आप देखेंगे, तो किसी भी तरह से टॉर्शन होता है जब वो घूमती है, ये दोनों एक्सिस क्या होगी, ये प्लेट और नीचे वाली प्लेट यदि किसी भी रेस्पेक्ट में एंगुलर मूवमेंट करती है, तो वो एंगल की जो शेयरिंग है वो कौन लेगा, ये आपका रबर पोर्शन लेगा। और जैसे ही वो एंगुलर जो आप कह सकते हैं जो प्रेशर है वो रिलीज होगा, तो ये वापस से क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा और ये प्लेट्स दोनों वापस से इसी पोजीशन में आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दोनों जो आपके पास में प्लेट्स हैं मेटेलिक प्लेट्स, जब भी ये एक दूसरे से एंगुलर मूवमेंट करेगी तो रबर के अंदर ट्विस्ट आएगा और रबर उस चीज को वियर करेगा। लेकिन ये अगेन चीज है कि बहुत कम लोड्स के लिए या बहुत कम एंगल के लिए हम काम में लेते हैं। यदि ज्यादा हमने इसको ट्विस्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा और रबर आपका क्रैक हो जाएगा, फिर वो वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा पाएगा। लेकिन कम मान लीजिए 2 डिग्री 3 डिग्री का यदि आपके पास में किसी तरह का फ्लक्चुएशन आता है, तो उतने टाइप के लिए स्प्रिंग का काम ये आपके पास फेस शेयर स्प्रिंग कर सकती है। इसी तरह से लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं कुछ अलग अलग मेटल की प्लस आपको रबर के कॉम्बिनेशन दिखाए हुए हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, किसी तरह से एंगुलर मूवमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट कंटेन्स ऑफ अ थिक डिस्क ऑफ रबर हैविंग मेटल प्लेट्स बॉन्डेड ऑन इट्स फ्लैट सर्फेसेज एंड एक्सियल प्री कंप्रेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको प्री कंप्रेस फॉर्म में इनको बॉन्डेड कर देते हैं, चिपका देते हैं। इट ऑपरेट्स बाय रिलेटिव रोटेशन ऑफ प्लेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, दस लोडिंग द रबर पार्टली इन शियर। तो ये क्या होता है, हमेशा हमारे पास रोटेशनल मोशन के सपोर्ट के लिए ही काम में ली जाती हैं, और वो भी काफी कम लेवल तक, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ये रप्चर हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट शियर स्प्रिंग्स। देन वी हैव टोर्शनल शियर स्प्रिंग्स। तो देखिए रबर में भी टोर्शनल शियर स्प्रिंग बनती है, जैसे हमने टोर्जन बार पढ़ा था उसी तरह से हम रबर की भी टोर्शनल बार बना सकते हैं। द स्प्रिंग ऑपरेट्स बाय द रोटेशन ऑफ शाफ्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस रिलेटिव टू द शेल। ठीक है, मेटल शाफ्ट कैन बी सॉलिड और हॉलो होल्ड इन रबर बॉडी। तो देखिए इसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो आप राइट साइड में ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें ये क्या सिलेंड्रिकल पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये रबर का बना हुआ है और ये पूरा आपको कवर करता है एक स्टील की रॉड को। आप बीच में देख रहे हैं ये एक आपके पास मेटल की शाफ्ट है या स्टील की रॉड मान लीजिए, और ये किसके अंदर में बॉन्डेड होती है, ये एक रबर के पोर्शन के अंदर में बॉन्डेड होती है। और ये जो रबर पोर्शन है ये किसी प्लेट के साथ में फिक्स कर दिया जाता है, बॉन्डेड कर दिया जाता है। तो हम इस प्लेट में जो छेद है इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये काम कैसे करेगा कि मान लीजिए किसी भी तरह का एंगुलर मूवमेंट आता है इसके ऊपर में, किसके ऊपर, अपने यदि इस रॉड के ऊपर में किसी भी तरह का एंगुलर मूवमेंट आता है, तो ये रबर के अंदर में ट्विस्ट क्या करेगी, ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी। तो रबर इसको अलाउ करेगा कुछ हद तक इसको
एंगुलर रोटेट होने के लिए आइदर ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों साइड में टर्न हो सकती है, बट अगेन इन लिमिट। यदि हमने उसको एक लिमिट से ज्यादा कर दिया तो ये जो बॉन्डेड है जिसमें ये चिपकी हुई है अंदर जाकर के रबर में, वो वहीं से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगी। तो हम कुछ लिमिट तक के लिए इस तरह के की टॉर्जन बार्स टाइप बनाते हैं जो कि रबर के एनक्लोजर के अंदर में पैक होती है। तो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि इनिशियली आपके पास जो एक्सिस थी वो ये थी, और ये थीटा एंगल पर आपकी क्या हो रही है, ट्विस्ट हो सकती है। तो ये ट्विस्ट होगी तो अल्टीमेटली जो रिएक्शंस हैं वो किस में जाएंगे, आपके रबर पोर्शन में। जो लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ रबर पोर्शन में जो ये बॉन्डेड की गई है ये मेटल की रॉड, वो सारे ट्विस्ट कौन लेगा, अंदर जाकर के मेटल पोर्शन लेगा। ओके, देन वी हैव प्लास्टिक स्प्रिंग्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं नीचे डायग्राम में, इस तरह की प्लास्टिक स्प्रिंग्स भी आपने बहुत देखी होंगी मार्केट में, और ये कम लोड्स के लिए आजकल डिजाइन की जाती है। राइट साइड में भी आप देख सकते हैं अलग अलग शेप्स की आपके पास प्लास्टिक की स्प्रिंग्स भी आने लग गई हैं, और बहुत जगह इनका एप्लीकेशन होने लगा है, लेकिन अगेन इन योर लो लोड कंडीशंस। ठीक है, जहां पर भी कम लोड की बात करें वहां पर हम प्लास्टिक की स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं आफ्टर परमानेंट डिफॉर्मेशंस। ठीक है, और एक्चुअली ये सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं है, इसके अंदर कंपोजिट मटेरियल्स भी यूज किए जाते हैं, नैनो मटेरियल्स भी यूज किए जाते हैं, और बहुत तरह के फाइबर्स यूज किए जाते हैं टू कंस्ट्रक्ट सच काइंड ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो प्लास्टिक स्प्रिंग कंपोजिट स्प्रिंग भी कह लें, आर लाइट वेट, नो इफेक्ट ऑफ कोरोजन और ह्यूमिडिटी, प्रोड्यूसेस नो साउंड। तो ये देखिए तीनों बहुत बढ़िया क्वालिटी है हमारी प्लास्टिक स्प्रिंग के अंदर में, कि पहला तो है हमारे पास कि किसी तरह से कोरोजन नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टील वाली के अंदर में या लोहे की जो स्प्रिंग्स हम यूज करते हैं या फिर लीफ स्प्रिंग्स जो हम यूज करते हैं उनमें कोरोजन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली लाइट वेट है तो 60-70% हम लोग लाइट वेट तक प्लास्टिक के अंदर में ले सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है ह्यूमिडिटी से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, यानी कि आप कह सकते हैं एटमोस्फेरिक कंडीशंस का कोई इसमें इफेक्ट नहीं आता है, एंड इट प्रोड्यूसेस नो साउंड। तो हमने बात करी थी कि काफी तेज आवाज करती है लीफ स्प्रिंग्स, लेकिन जब हम प्लास्टिक स्प्रिंग्स काम में लेते हैं तो वो आवाज क्या होती है इसमें हमें नहीं मिलती है। सो इट कैन बी यूटिलाइज फॉर लो लोड कंडीशन। तो ये एक लिमिटेशन है स्प्रिंग की, जो प्लास्टिक स्प्रिंग है वो लो लोड कंडीशन के अंदर ही आप काम में ले सकते हैं, हाई आप लोड लगाएंगे तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगी या फिर क्रैक हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर प्लास्टिक स्प्रिंग टाइप। देन वी हैव एयर स्प्रिंग। तो अभी हम बात करेंगे एयर स्प्रिंग की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एयर स्प्रिंग कहते किसे हैं। तो हम लोग कई बार जाते हैं बसेस के अंदर में जाते हैं, वॉल्वो में जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एयर सस्पेंशन है, एयर स्प्रिंग इसके अंदर में लगी हुई है। तो वो कैसी होती है, क्या काम करती है, और उसकी वर्किंग क्या होती है, हम इसको बहुत डीपली समझने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। स्ट्रेंथ इज मोर देन मैकेनिकल स्प्रिंग। तो देखिए आप कितनी भी लीफ स्प्रिंग लगा लीजिए या फिर आप शॉक एब्जॉर्बर लगा लीजिए, लेकिन फिर भी क्या होता है जो हाई लोड कंडीशंस हैं उसके लिए वो स्प्रिंग्स क्या होती है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो वहां पर हम बात करते हैं एयर स्प्रिंग्स की। तो एयर स्प्रिंग्स बहुत ज्यादा लोड ले सकती है। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कैन बी चेंज। दूसरा बहुत अच्छी बात यह है कि हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को लगातार चेंज कर सकते हैं, और वो कॉन्स्टेंट चेंज होता है इसके अंदर भरी हुई हवा के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हम यदि मैकेनिकल स्प्रिंग्स की बात करें तो हम उसके अंदर प्रीसेट वैल्यू रखते हैं। यदि हमने जो स्प्रिंग का मटेरियल लिया है तो हमारे पास पहले से पता होता है कि इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ये होगा, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन योर एयर स्प्रिंग यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू। आप बोलते हैं कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर हवा कम कर दीजिए तो ज्यादा स्प्रिंगिंग वो एक्शन ले सकती है, और ज्यादा स्प्रिंगिंग हो रही है तो आप उसमें हवा का रेट बढ़ा दीजिए तो ये क्या कर सकता है आपको ज्यादा अच्छा कुशनिंग दे सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। ऑटो डिटेक्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग कंडीशन। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग इसके अंदर जो सिस्टम अभी पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कि ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि यदि स्प्रिंग हमारी जो चेचिस फ्रेम है उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, और यदि मान लीजिए लोड घट रहा है वापस से तो ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसी नजर आती है। तो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं एयर स्प्रिंग्स क्या होती हैं, ये रबर पोर्शन आपको नजर आ रहा है और ऊपर और नीचे आपका मेटलिक पोर्शन रहता है, और यहाँ पर एक वॉल रहता है जहां पर अभी हम आगे पढ़ेंगे, जहां से आपकी जो लाइन होती है वो कनेक्टेड रहती है, और इन एंड आउट लाइंस इसके अंदर में होती हैं जहां से हवा आ सकती है और हवा निकल सकती है। राइट, यदि हम इसी तरह से इसका डबल टाइप का देखेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर डबल चैम्बर आपको दिख रहे हैं, और ये दोनों भी हवा इसके अंदर में फिल रहती है। और यदि हम इसका पोजीशन देखें कि कहाँ लगा होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है आपका फिक्स नीचे की तरफ में जो लोअर आर्म है, जो यदि हम बात करें चेचिस की, तो उससे आपके पास में वी कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है आपके पास
जो बीच के अंदर में अभी हमने वीडियो भी देखा था, तो बेलो लगा हुआ है, ये एयर स्प्रिंग लगी हुई है बेसिकली, और ये क्या है आपके पास में ऊपर का जो भी आपका फ्लोर है वो हाइट है, ठीक है। तो ये उन दोनों के बीच में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो हमें ये जो एयर है इसके कितना हमें भरनी है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसकी हाइट हमें कम करनी है या ज्यादा करनी है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। तो आपके सामने एक डायग्राम देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके पास इंजन है, इंजन के साथ में कपल्ड रहता है आपका कंप्रेसर। तो कंप्रेसर इसके अंदर लगा हुआ होता है और वो कंप्रेसर एक मेन रिजर्वायर को चलाता है, या फिर आप इसको एयर स्टोरेज टैंक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होती है हाई प्रेशर की एयर इकट्ठी होती है, और ये कौन करता है, ये आपका कंप्रेसर करता है। मे बी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज कंप्रेसर आपका इस पे लगा रहता है, और ये क्या करता है, इंजन से कपल्ड रहता है, और इसकी वजह से क्या करता है, ये अपना जितनी भी एटमॉस्फेयर से एयर लेता है उसको इस मेन रिजर्वायर में कलेक्ट करता रहता है, और यहाँ पर काफी हाई प्रेशर की एयर आपको हमेशा अवेलेबल रहती है। यदि वो प्रेशर एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, यदि मान लीजिए एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो रिलीफ वॉल्व आपके पास लगा हुआ रहता है रिजर्वायर के साथ, तो ये क्या करता है उसको ओपन एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज कर देता है। तो ये कंटिन्यूसली उसको इक्विलिब्रियम में रखता है कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है। यदि उस डिजायर्ड से आपके पास में इस मेन रिजर्वायर का प्रेशर ज्यादा होता है तो ये एयर को ब्लीड करता रहता है, हवा में छोड़ता रहता है, ठीक है। यदि हम आगे चलें तो यहाँ पर एक लाइन आगे जा रही है और यहाँ पर आपको कंट्रोल वॉल नजर आ रहा है। तो ये कंट्रोल वॉल क्या करेगा, लगातार कंट्रोल करेगा कि हवा को आगे भेजना है या हवा को बाहर निकालना है ओपन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये कंट्रोल वॉल अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे काम करेगा। तो ये कंट्रोल वॉल ये डिसाइड करेगा कि हमें हवा जो आगे से आ रही है उसको ओपन एयर में भेजना है या फिर उसको हमें आगे डायरेक्ट करके और इन जो एयर स्प्रिंग्स है उसमें भेजना है। तो ये हमारे पास दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, एक ब्लू से आ रही है और एक रेड से। तो ब्लू जो लाइन है इससे एयर जाती है और आपके पास में किसके अंदर जाती है, ये एयर स्प्रिंग के अंदर में। तो ये एयर स्प्रिंग आपकी लग रही है, इसी तरह से दूसरी एयर स्प्रिंग आपकी लेफ्ट में लग रही है। तो ये दोनों एयर स्प्रिंग जो है आपकी एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। तो यदि मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है और ट्रक का आगे वाला व्हील है, तो ये दोनों जो एयर स्प्रिंग्स हैं ये फ्रंट शाफ्ट पे माउंटेड होंगी और पीछे वाली ये दोनों जो होंगी ये रेयर शाफ्ट पे माउंट होंगी। मान लीजिए छह पहिए हैं ट्रक के अंदर में, दो आगे और चार पीछे हैं और दो एक्सल लगी हुई है, तो आपके पास ये जो आप देख पा रहे हैं इसी तरह से एक लाइन और पीछे जाएगी और पीछे में भी दो आपके पास एयर स्प्रिंग लगी रहेगी और ये लेवल वॉल हर एक एक्सल के लिए इंडिविजुअल होगा, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, हर एक एक्सल के लिए अलग अलग लेवल वॉल होगा, यानी ये लेवल वॉल से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि इसका लेवल कितना रखना है। तो कम या ज्यादा आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं किसी एक एक्सेल के लिए। यदि आपका एक्सेल चेंज होता है, मान लीजिए पीछे वाला एक्सेल है तो उसके लिए अलग लेवल वॉल है, छह एक्सेल है तो छह लेवल वॉल आपको मिलेंगे और छह इंटू टू यानी 12 आपको उस टाइम में एयर स्प्रिंग्स मिलेंगी। ओके, सो दीज आर अबाउट द लाइन्स। तो ये लाइन आपकी चारों जो आप देख पा रहे हैं एयर स्प्रिंग इसमें जा रही है, और उसका जो दूसरा एंड है एयर स्प्रिंग का वो क्या होता है, एक लेवल वॉल से कनेक्टेड है। लेवल वॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं कि हमको इसको कितना फुलाना है, ये उतनी हवा को एब्जॉर्ब करेगा जितना हम लेवल वॉल के हिसाब से कंट्रोल करेंगे। तो इसके अंदर में क्या होगा, बीच में एक पिस्टन रहता है, तो ये लेफ्ट साइड का जो आपका प्रेशर है उसको आप लेवल वॉल से कंट्रोल कर रहे हैं, राइट साइड का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल वॉल मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है, आपके पास व्हील लगे हुए हैं चारों तरफ में, आप देख पा रहे हैं ये आपके पास में व्हील लगे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर कंप्लीट यूनिट ऑफ योर एयर स्प्रिंग। तो अब हम इस एयर स्प्रिंग की वर्किंग को समझना चाहते हैं, तो इसके हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। नाउ वी आर टेकिंग दिस फिगर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फिगर, इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट। तो हम किसी एक ही साइड को ले रहे हैं इसके अंदर में, और ये एक एयर स्प्रिंग लगी हुई है, और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड बफर लेवल। तो बफर लेवल का मतलब क्या है कि ये वो जगह है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारा जो गाड़ी है, बस है, ट्रक है, उसकी हम चाहते हैं बॉडी की हाइट इतनी हमें रखनी है, ये हमारे पास में नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। जब उसके ऊपर में फोर्स एफ आता है, तो मान लीजिए हमने बोला कि 40 पैसेंजर्स के लिए हमने डिजाइन किया हुआ है, यदि 40 पैसेंजर्स का फोर्स लगता है तो एक ये बफर लेवल हमारे पास मिलता है, ठीक है। और यहां पर हम आगे देख रहे हैं वही मेन रिजर्वायर जो एयर का भरा हुआ था, वो हमारे पास में लाइन जा रही है, और यहाँ पर आपको एक लेवलिंग वॉल दिख रहा है, ठीक है। तो लेवलिंग वॉल के अंदर में क्या हो रहा है, दो इनपुट हैं, एक तरफ से वो मेन रिजर्वायर से कनेक्टेड है और दूसरा ओपन एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है,
ठीक है, और उसका जो दूसरा एंड है अपोजिट साइड में वो आपके पास में जा रहा है सीधे किसके अंदर में, एयर स्प्रिंग में। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन बना के दिखाई हुई है एयर स्प्रिंग की, और ये एक ही लाइन से हमारे पास फ्लो या तो अंदर आता है या वापस वो बाहर चला जाता है। तो हम इसी एक लाइन से इस चीज को समझने वाले हैं, ओके। और यहाँ पर आपको एक जो चीज दिख रही है वो एक पिस्टन दिख रहा है, और ये कनेक्टेड रॉड है, और ये रॉड आपके पास में इंस्टॉलेशन लीवर के साथ कनेक्टेड है। तो इंस्टॉलेशन लीवर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपके पास पहले से डिफाइन किया जाता है। ये लीवर क्या होता है, हाइट इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाइट आप एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, यदि मान लीजिए ये आपका बफर लेवल है, यदि मान लीजिए ज्यादा झुक रहा है, मान लीजिए आपने 40 लोगों के को इसके ऊपर खड़ा कर रखा है और ये लेवल आपके पास में थोड़ा सा नीचे झुक गया इस तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बफर लेवल इंस्टॉलेशन लेवल को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो बफर लेवल है वो बिल्कुल इसके रेस्पेक्ट में आपने बिल्कुल सही चूज कर रखा है। तो इंस्टॉलेशन लेवल आपने क्या कर रखा है, हाइट एक बार फिक्स कर दी, एंड दिस हाइट इज नोन एज इंस्टॉलेशन हाइट। तो ये आपने गाड़ी के अंदर में एक बार पहले से फिक्स कर दी कि हमें ये इंस्टॉलेशन हाइट करनी है। और जो इसकी रियलिस्टिक पोजीशन है, यानी जब ये काम करेगा तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या चल रही है, उसको हम नापने के लिए एक्चुअल बफरिंग हाइट देखते हैं। तो एक्चुअल बफरिंग हाइट इस वक्त अभी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल एफ लग रहा है, तो हमारे पास एक्चुअल बफरिंग हाइट बिल्कुल उसके बराबर है अपनी इंस्टॉलेशन हाइट के बराबर। यानी कि अभी ये जो लीवर है ये ना तो नीचे की तरफ झुका हुआ है ना ऊपर की तरफ झुका हुआ है, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, और आपका जो वॉल है वो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो ये पोजीशन रहती है आपकी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, जब आपके पास में नॉर्मल लोड होता है और इसके अंदर में उतनी हवा पहले से यहाँ से फिल्ड होती है। लेकिन मान लीजिए अब हम दूसरे केस की बात करते हैं कि यदि ये एफ बढ़ जाता है, मतलब कि मान लीजिए 40 के बजाय 50 लोग आपकी गाड़ी में चढ़ गए हैं या 55 लोग आपकी गाड़ी में चढ़ गए हैं, तो क्या होगा, आपका इसके ऊपर में दबाव बढ़ जाएगा और आपका ये जो सस्पेंशन है वो नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सेकंड फिगर। तो जैसे हम एफ प्लस डेल्टा एफ की बात करेंगे, यहाँ पर एक तरह से जो लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ती बफर लेवल क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो बफर लेवल जैसे नीचे की तरफ में जाएगा तो आप देखेंगे ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया, डिफरेंस किसके बीच में, एक्चुअल बफरिंग हाइट में और इंस्टॉलेशन हाइट में। तो हम देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलेशन हाइट तो हमें ज्यादा चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल बफरिंग हाइट जो है वो कम हो गई आपकी। तो ये हम लोगों को तुरंत से क्या करेगा, हमारे पास में इस लेवलिंग वॉल के थ्रू, जैसे ही हमारा लेवलिंग वॉल नीचे आया तो हमारा क्या करेगा, ये वॉल को ओपन कर देगा मेन रिजर्वायर के। तो मेन रिजर्वायर का वॉल जो होगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा आपकी मेन लाइन से, और मेन लाइन से कनेक्ट होते क्या होगा, मेन रिजर्वायर से जो हाई प्रेशर की एयर है वो यहाँ से होती हुई क्या करेगी, आपकी मेन लाइन में जाएगी और आपका जो एयर स्प्रिंग है इसके अंदर में और एयर इकट्ठी हो जाएगी, और वो एयर तब तक भरती रहेगी जब तक कि ये क्या होगा, वापस से ऊपर उठना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि ये बफर जैसे जैसे इसमें हवा अंदर जाएगी ये जो रबर है ये इन्फ्लेट हो सकता है, फूल सकता है बिल्कुल टायर की तरह। तो जैसे जैसे ये फूलेगा तो ये वापस से क्या करेगा, बफर को ऊपर करेगा और ये नॉर्मल हाइट पे ले आएगा, और जैसे ही ये नॉर्मल हाइट आएगी तो आप देखेंगे कि ये लीवर जो है वापस से एक्चुअल बफरिंग हाइट पे आ चुका है, और एक्चुअल बफरिंग हाइट पे आते ही क्या हो जाएगा, ये वॉल वापस से क्लोज हो जाएगा और उतनी हवा इसके अंदर में मौजूद रहेगी, यानी 55 लोगों के लिए ये ज्यादा फूला हुआ रहेगा, ओके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में आप यहाँ पर वापस से दिखा रहा हूँ, ये आपको पतला दिख रहा होगा लेकिन सेकंड डायग्राम में ये मोटा हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एडिशनल एयर आ रही है, और अब 55 लोगों को जब तक ये बस में बैठे रहेंगे तब तक क्या करेगा, ये एयर सस्पेंशन आपका इतना फूला हुआ रहेगा और ये उस लोड को लेता रहेगा, ठीक है। और वापस से क्या हो जाएगी इसकी कंडीशन, जैसे ये नॉर्मल बफर लेवल आ जाएगा तो ये इसी कंडीशन में वापस से आ जाएगा, और आपका लीवर क्या होगा, एक्चुअल जैसा ही वापस से मेंटेन हो जाएगा, और बस कंडीशन ये रहेगी कि इसमें एयर ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा कि मान लीजिए 55 में से 20 लोग वापस से नीचे उतर जाते हैं गाड़ी में से, तो ये क्या होगा, अब अगली बार ये जो बफर लेवल इंक्रीज हुआ था पहले, अब ये उल्टा हो गया कि ये बफर लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बफर लेवल जैसे डिक्रीज हुआ तो ये क्या होगा, डिक्रीज होते ही लीवर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लीवर जैसे ही ऊपर की तरफ उठा तो अब वापस से एक डिफरेंस क्रिएट हो गया एक्चुअल बफरिंग हाइट में और इंस्टॉलेशन जो बफरिंग हाइट थी उसके अंदर में। तो एक्चुअल बफरिंग हाइट ज्यादा है तो ये लीवर ऊपर की तरफ चला गया, तो हमारे पास जो ओपन एटमोसफेयर का वॉल था वो ओपन हो गया, और हमारे यहाँ पर जो एयर ज्यादा भरी थी हमने वो क्या करती है, इस लेवलिंग वॉल से होती हुई ब्लीड कर जाती है और ओपन एटमोसफेयर में चली जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, वापस से जो इसके अंदर में एडिशनल प्रेशर हमने इनबिल्ट किया था
वो क्या हो रहा है, कम हो गया, और वो कम होने से इसकी हवा बाहर निकल गई और इसकी हवा कम हो गई है, और वो जब तक निकलेगी जब तक ये जो डिक्रीज हुआ है ये वापस से रेज नहीं हो और वापस नॉर्मल बफर लेवल नहीं आ जाए। और जैसे ही वापस से नॉर्मल बफर लेवल आएगा तो हम देखेंगे कि ये लीवर वापस स्ट्रेट हो चुका है और ये वॉल बीच में आ चुका है, और अगेन ये क्या कर रहा है, कोई एयर को आगे नहीं भेजेगा और वापस से ये फर्स्ट वाली कंडीशन हम लोगों को मिल जाएगी जब ये वापस से एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन कर लेगा और गाड़ी उसी पे लगातार चलती रहेगी। तो ये स्प्रिंग जो है वो उस चीज को बियर कर लेगी, ठीक है। सो ये इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली होता है और ये बहुत अच्छा सस्पेंशन का काम करता है। यदि हम इसको एक एनिमेशन में देखना चाहें तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये रियलिस्टिक आपके पास में एयर स्प्रिंग लगी हुई है बस के नीचे। तो यहाँ पर आप डबल चैम्बर दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पर माउंटेड है जिससे कि लेफ्ट राइट नहीं हो जाए, और इसके अंदर एयर इन्फ्लेटेड है, और एयर इन्फ्लेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये पाइप लगा रखा हाउस पाइप, और इससे हमारी कंप्रेस एयर लगातार आती रहती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसके लिए आपको एक एडिशनल कंप्रेसर देना पड़ता है। तो एडिशनल कंप्रेसर हम जब देते हैं तो उसमें क्या होता है, लगातार आपके पास एक एयर रिजर्वायर होता है, एक कंप्रेसर होता है जो कि लगातार क्या करता है, बर्डन लेता रहता है। तो हम इनको छोटी गाड़ियों में नहीं प्रीफर करते हैं, हम इनको छोटी बाइक्स में यूज नहीं करते हैं, हम इनको कॉमर्शियल व्हीकल्स में और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में स्पेशली यूज करते हैं। आप देखते होंगे जो भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी आती है या बहुत वेट होता है जिनमें, वहां पर हमें मस्त है कि हम लोग एयर स्प्रिंग जो सस्पेंशन है उसको यूज करें, क्योंकि जो नीचे आपके पास ये जो कॉइल, ये जो लीफ स्प्रिंग दिख रही है, ये पूरा लोड नहीं ले पाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एडिशनली एयर स्प्रिंग का यूज करना पड़ता है और ये आपको माउंट करना पड़ता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम। और हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम को हम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी बोलते हैं या शॉक एब्जॉर्बर्स भी बोलते हैं, आप लोग बाइक्स में बहुत बार देखते हैं इसको, या हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको डैम्पर भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इसका जो काम है वो सस्पेंशन से ज्यादा डैम्पिंग करने का है। डैम्पिंग मतलब जो वाइब्रेशन आ रही हैं उसको हम क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं उसको, ज्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक स्प्रिंग की बात करें, नॉर्मल स्प्रिंग है स्टील की, और हम उसकी एक एंड को दबा के छोड़ते हैं तो वो काफी देर तक ऑसिलेट करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, और उसके बाद वो नॉर्मल होती है। तो यदि हम यही सेम कंडीशन कार के लिए या हैवी ट्रक्स के लिए यदि यूज करें और स्प्रिंग सिस्टम हमने यूज किया है हेलिकल स्प्रिंग, तो क्या होगा, जैसे यदि कोई बम्प और पिट आया तो वो एक बार क्या करेगा, कंप्रेस होगा और उसके बाद वो वापस उसको नॉर्मल पोजिशन पे लेके आएगा। लेकिन वो सिर्फ वन टाइम नहीं होगा, इट विल कंटिन्यूअसली कीप गोइंग ऑन अंटिल इट विल गेट इनटू इक्विलिब्रियम वंस अगेन। तो ये जो ऑसिलेशंस होते हैं ये लगातार स्प्रिंग में होते रहते हैं, और इसके कारण वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं जो ऑक्यूपेंट्स हैं, प्लस जितने भी पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज इट इज कम्प्लीटली वाइब्रेटिंग फॉर अ लॉन्गर रन। तो हम चाहते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है ये कम हो सके, तो हम क्या करते हैं, वहां पर इन स्प्रिंग्स को ना यूज करके हम लोग शॉक एब्जॉर्बर्स यूज करते हैं, और शॉक एब्जॉर्बर दोनों टाइप के होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूड भी होता है, और हम चाहते हैं तो हम स्प्रिंग भी इसके साथ में यूज कर सकते हैं, यानी हाइड्रोलिक शॉकर विथ स्प्रिंग्स भी हम लोग देखते हैं, तो उसमें दोनों कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी यू कैन से इफेक्टिव वे टू यूज इन डैम्पिंग योर दिस फोर्सेस। ओके, तो हम इसको पहले समझते हैं कि ये कहाँ कैसे लगा होता है। तो आप सबसे पहले एक लेफ्ट साइड में एक ये एनिमेशन देख पा रहे हैं, तो बाइक्स में आपने देखा होगा दोनों साइड में शॉक अब्सॉर्बर्स लगे रहते हैं और दो बूम लगे हुए रहते हैं, यानी यहाँ पर हाइड्रोलिक आपको दिख रहा है कि आपको पिस्टन अरेंजमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। तो सिलेंडर पिस्टन जैसे आपके मूव करते हैं उसी तरह से यहाँ पर दोनों साइड में आप देख पा रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि सिंगल लगाना चाहें तो आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राइट साइड में, तो यहाँ सिंगल शॉक एब्जॉर्बर लगाया हुआ है सेंटर के अंदर में। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन, ठीक है, और लोड, तो हम उसी हिसाब से उनको डिसाइड कर सकते हैं। ये रियासी का आपको एक फोटो दिख रहा है शॉक एब्जॉर्बर का, और उसके बीच में हेलिकल स्प्रिंग भी आपको माउंट की हुई है, ठीक है। तो द स्प्रिंग ऑपरेट्स बाय द रोटेशन ऑफ शाफ्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस रिलेटेड टू द शेल। मेटल शाफ्ट कैन बी सॉलिड और हॉलो होल्ड इन रबर बॉडी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो हमें देखना है कि टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर कैसे काम करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो आप राइट साइड में यहाँ देख पा रहे हैं, आपको एक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर दिख रहा है, और इसमें हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बाहर से हम शुरू करते हैं, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है आई टू कनेक्ट एक्सेल। तो ये जो आई है ये क्या करती है, नट एंड बोल्ट से कहाँ कनेक्ट होती है, एक्सेल के ऊपर में, यानी जहाँ भी आपकी बॉडी है उस पर कनेक्ट होती है। और जो इसका लोअर एंड आप देख रहे हैं, इट इज कनेक्टेड टू योर
द व्हील, यदि जहां पर भी आप पहिया लगा रहे हैं या जहां पर भी आपके पास फ्रेम है वहां पर आप इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक एंड आपके पास में आपकी बॉडी से कनेक्टेड रहेगा और एक एंड आपके पास पहिए से कनेक्टेड रहेगा। ओके, देन वी हैव रॉड। तो यहां से आप देखेंगे इस आई एंड से कनेक्टेड एक रॉड आपको दिख रही है और वो बिल्कुल जाकर के एक पिस्टन के साथ में आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो ये रॉड आपके पास में कनेक्टेड है और ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन में वॉल लग रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर छोटे छोटे वॉल लगे रहते हैं और ये टू साइडेड वॉल है। यहाँ पर लिखा है टू वे वॉल। टू वे वॉल का मतलब क्या है कि इन वॉल्स में से होता हुआ कोई भी फ्लूइड नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो इसमें बहुत सारे वॉल्स लगे रहते हैं और वो सारे वॉल्स टू साइडेड वॉल्स होते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका चैम्बर हो गया इस सिलेंडर का और इस चैम्बर के नीचे अगेन यहाँ पर बंद रहता है और यहाँ पर भी छोटे छोटे वॉल बने हुए रहते हैं और अगेन इट इज टू वे वॉल। यहाँ से भी फ्लूइड अंदर आ सकता है और वापस बाहर जा सकता है। सो टू वॉल्स आर देयर, दे आर नॉमेनक्लेटेड एज V1 एंड V2। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे से कुछ जगह मिल रही है और इस वॉल से जो भी फ्लूइड नीचे आता है तो उसको पासेज मिल रहा है और ये जो ट्यूब दिख रही है यानी कि आप देखेंगे ये जो शेल है, जो कह सकते हैं जो सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये हॉलो सिलेंडर है और इस हॉलो सिलेंडर के अंदर में भी आपका फ्लूइड भर सकता है। तो ये जो फ्लूइड यहाँ से निकलेगा ये क्या करेगा, इसकी चारों तरफ में भरेगा। किसके चारों तरफ में, इस सिलेंडर के चारों तरफ में जो कैविटी है उसमें ये फ्लूइड भर सकता है, इतनी इसमें जगह है। ओके, यदि हम ऊपर की बात करें तो ये आपके पास हेड लग रहा है, यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया इस पिस्टन अरेंजमेंट को। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से दो चैम्बर मिल गए, एक ये अपर चैम्बर और एक ये बॉटम चैम्बर। तो हमारे पास दो चैम्बर है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को हमने बोला सिलेंडर, ये जो जिसके अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है ये सिलेंडर कहलाएगा, दिस इज फ्लूइड। ठीक है, एंड दिस आउटर वन इज कॉल्ड ट्यूब। तो जिस ट्यूब है ये आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से ऊपर चलेंगे तो हम देखेंगे एक ग्लैंड लिखा हुआ है। ग्लैंड क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फ्लूइड आ सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये वॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ फ्लूइड हो सकता है कि इसके साथ टच होता हुआ बाहर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से जो ये आपके पास रॉड नजर आ रही है तो कुछ लीक होता हुआ जो फ्लूइड है वो लीक होता हुआ बाहर निकल जाए। तो हम चाहते हैं कि वो बाहर नहीं जाए, तो हमने ग्लैंड लगा रखा है, तो वो क्या करेगा, ग्लैंड उसको वापस से पुश कर देगा और ये आपको एक पासेज दिख रहा है। ये पासेज क्या करेगा, यदि कोई ऑयल गलती से इधर आ भी गया तो इसको क्या करेगा, स्क्रैप करके वो वापस पासेज में भेज देगा। तो इससे जो ऑयल आ गया था गलती से वो भी वापस से आपकी मेन लाइन में चला जाता है, तो आपका फ्लूइड अंदर ही रहता है और वो सर्कुलेट होता रहता है। सो दिस इज हाउ इट्स कंस्ट्रक्शन इज। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। तो ये काम कैसे करता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, इनिशियल पोजीशन के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर कोई फ्लूइड नहीं होता है, यानी हम अपर चैम्बर बोल लेते हैं इसको, और जो लोअर चैम्बर है यहाँ पर पूरा फ्लूइड भरा होता है और ये जो आपके पास पिस्टन है ये इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर की तरफ में यहाँ पर आपको बीच में नजर आती है, इस जगह पर करीबन होती है और यहाँ पर पूरा फ्लूइड बीच में भरा हुआ रहता है। तो होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी चल रही है और जैसे ही सडनली नीचे कोई पत्थर आता है, तो पत्थर आते ही क्या होता है, आपका जो पहिया है नीचे का वो ऊपर उठने की कोशिश करता है और ये क्या करता है, यहाँ से फोर्स क्रिएट करता है। तो ये नीचे की तरफ में जाता है यानी, और ये ऊपर से लोड लग रहा है गाड़ी का तो ये तो नीचे की तरफ में पुश करके ही रखेगा। तो यानी ये जो ऊपर का आई एंड है और ये जो नीचे का आई एंड है ये क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे और जैसे एक दूसरे के नजदीक जाएंगे तो एक फोर्स क्रिएट होगा इस पिस्टन के ऊपर में और ये पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये डाउनवर्ड मूवमेंट कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो आपको चैम्बर दिख रहा है, यहाँ पर जो फ्लूइड है ये हाई प्रेशराइज हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और ये प्रेशर बढ़ते क्या करेगा, इसको कोई जगह चाहिए जहां पे निकल सके। तो ये वॉल वन का यूज करेगा और वॉल वन जितने भी हैं यहाँ पर इनको ओपन करके क्या करेगा, ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो काफी अमाउंट में क्या करेगा, ऊपर वाले चैम्बर में चला जाएगा वॉल से होता हुआ और वो यहाँ पे भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसको स्पेस इतना नहीं मिलेगा, नीचे का स्पेस ज्यादा मिलेगा क्योंकि ऊपर स्पेस में क्या हो गया, आपका ये रॉड भी आ गई है तो स्पेस और कम हो गया है। तो हमारे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही इसमें फ्लूइड भर पाएगा, फिर भी यहाँ पर कुछ फ्लूइड आपका बच जाएगा। मान लीजिए लोड और ज्यादा है और भी प्रेशर आ रहा है आगे से, तो क्या होगा, ये चैम्बर ऑलरेडी फुल हो चुका है, अब इसमें और क्षमता नहीं है कि ये और फ्लूइड को ले सके। यहाँ पर ये जो वॉल है ये खुले हुए हैं लेकिन इससे और फ्लूइड अंदर नहीं जा रहा है, तो नेक्स्ट जो प्रेशर है वो क्रिएट होगा वॉल टू के ऊपर में। तो ये जो आपके पास फ्लूइड है ये क्या करेगा, वॉल टू पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेगा उस कंडीशन में जब आपका ऊपर वाला चैम्बर भर चुका है। फिर यहां से क्या करेगा, ये वॉल टू से होते हुए क्या करेगा, इस लिक्विड को नीचे पुश करेगा और ये जो नीचे पुश करेगा लिक्विड को ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। ये जो साइडों में ट्यूब दिख रही है, ये जो फ्लूइड है ये पूरा फ्लूइड किसमें पुश हो जाएगा, इस कैविटी के अंदर में, जो साइड में हॉलो आपके पास ट्यूब है इसमें ये सारा का सारा फ्लूइड चला जाएगा और ये पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाएगा उस कंडीशन में, ये लोड ले लेगा।
तो जैसे ही आपके पास में कोई गड्ढा आया या कोई स्पीड ब्रेकर आया तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन आपके पास बिल्कुल नजदीक चली गई और ये जो फ्लूड था बॉटम चैम्बर में ये कुछ पार्शियली ऊपर आ गया और पार्शियली ये साइड की ट्यूब्स में चला गया है। लेकिन जैसे ही आपका बम्प चला जाता है, बम्प जाते ही क्या होगा, ये टायर वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा और जैसे ही ये वापस टायर नीचे आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से एंड्स जो हैं ये दूर जाने की कोशिश करेंगे और ये जैसे ही दूर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वापस से क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये क्या होगा, पिस्टन पीछे की तरफ खिसकने लग जाएगा। जैसे ये पिस्टन पीछे की तरफ खिसकने लगेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ते क्या होगा, ये कहीं ना कहीं से मटेरियल को खींचने की कोशिश करेगा, सक्शन करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, आपका जो भी नीचे वाला वॉल से जो इसने फ्लूइड भेजा है, सबसे पहले ये जितना भी मटेरियल आपका बाहर गया था इसको सक्शन से सक कर लेगा और ये जो भी ऑयल है ये वापस से इस चैम्बर में आ जाएगा और उसके बाद ये और ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये जो ऊपर का चैम्बर है इसको भी ये कंप्रेस करेगा, प्रेस करेगा, तो यहाँ जो फ्लूइड आपका भर चुका था इसको क्या करेगा, ये फोर्स से दबाएगा तो इसको और कोई जगह नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा, वॉल वन से होता हुआ वापस नीचे की तरफ में आ जाएगा और यहाँ पर वापस से वही कंडीशन आ जाएगी जो इनिशियल कंडीशन थी। तो इससे फर्क क्या पड़ा हम लोगों को, फायदा क्या हुआ कि जब भी शॉक आता है तो ये जो ऑयल का मूवमेंट है ये वॉल से होता हुआ क्या कर रहा है, अपर चैम्बर में और साइड चैम्बर में जा रहा है और इसी तरह से रिवर्स हो रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी काफी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जो भी हमारे को इम्पैक्ट मिल रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त वो सारे एनर्जी के जो फ्लक्चुएशन है वो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस क्या करता है ये कुछ तो हमारे अपने मूवमेंट में उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, कुछ एनर्जी हीट की टर्म्स में डेवलप हो जाती है। तो आप देखेंगे जो अंदर ऑयल है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ आकर के उस वापस कूल भी हो जाता है। तो इस तरह से हीट की टर्म्स में क्या होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो शॉक एब्जॉर्बर है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है। यदि आप इसका लेफ्ट साइड में एक एनिमेशन देख पा रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जब हमारा ये अपर एंड है और लोअर एंड हमने इसका फिक्स कर रखा है तो जैसे ये नजदीक आता है तो आप देख रहे हैं कि जो लोअर चैम्बर है इससे क्या हो रहा है, सारा का सारा फ्लूड क्या होता है, पहले ऊपर जाता है और जो एक्स्ट्रा फ्लूड है वो साइड की ट्यूब में फिल हो जाता है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो साइड की ट्यूब्स हैं वो लगातार ऊपर उठ रही हैं और वो तब तब हो रहा है जब ये कंप्रेस हो रहा है और जैसे ये ऊपर जाता है तो साइड की ट्यूब खाली हो जाती है और लोअर चैम्बर के अंदर में आपका फ्लूड वापस से आ जाता है जैसा कि हमने इस चैम्बर में समझा था। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना बिहाइंड दिस टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर और डैम्पर्स। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम। द मेन एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम इज इट क्रिएट्स अ बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो देखिए बहुत अच्छी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलती है हाइड्रोलिक शॉकर्स के साथ में, आपको बहुत कम धचके लगते हैं जब भी आप अनइवन रोड्स पे चलते हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम इज मच फास्टर देन योर स्टैंडर्ड कॉइल सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। रेस्पॉन्स टाइम मतलब क्या है, जैसे शॉक आया आपका ऑटोमेटिकली ये तुरंत से अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, और हमें बिल्कुल भी शॉक ट्रांसफर नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, जो कॉइल स्प्रिंग्स होती हैं या लीफ स्प्रिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे पास में जैसे ही शॉक आता है वो कुछ हद तक तो शॉक को पहले आगे ट्रांसफर कर देता है क्योंकि उसको कंप्रेस होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो तब तक वो क्या करता है, हमारे को एक झटका दे चुका होता है। तो ये जो चीज होती है ये हमारे पास बहुत अच्छी मिलती है हमको हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम में। देन इफ यू ड्राइव ओवर अ बम्प ऑन रोड द रेस्पॉन्स फ्रॉम योर सस्पेंशन विल बी इमीडिएट। तो यदि कोई बम्प आया तो आपको तुरंत से एक इमीडिएट इफेक्ट मिलता है और आपको बिल्कुल भी झटका नहीं लगता है। दिस इज लार्जली थैंक्स टू द इंडिपेंडेंट डैम्पर्स ऑफ द सस्पेंशन विच कंटेन्स देयर ओन हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो देखिए एक सबसे अच्छी बात यह कि इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम हम आगे देखेंगे उसके अंदर में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूड खुद का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने एक सेंट्रलाइज रिजर्वायर लगा दिया और वहां से फ्लूड आ रहा है। तो यदि हम ऐसा करते तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता, हमने हर व्हील के ऊपर में इंडिपेंडेंट आपके पास हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर्स माउंट कर रखे हैं और उनका हाइड्रोलिक सिस्टम खुद का इंडिविजुअल है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी रेस्पॉन्स कर पाते हैं। दैट इज हाउ दे आर एबल टू इंडिपेंडेंटली प्रेशराइज और डीप्रेशराइज टू हैंडल वेरियस शॉक्स टू द व्हील्स। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर में कि मान लीजिए कहीं बम्प आता है किसी एक पहिए पर आता है तो सिर्फ एक पहिए का जो शॉक एब्जॉर्बर है वो एक्ट करता है और वो अपने हिसाब से कंप्रेस होता है और वापस रिलीज हो जाता है, बाकी तीन जो शॉकर्स हैं उन पे कोई भी इंपैक्ट इसका नहीं आता है। तो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही प्रोमिनेंट है। अनदर एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम इज दैट इट इज कस्टमाइजेबल। बहुत अच्छी बात यह है कि कस्टमाइजेबल है, यानी आपको लग रहा है कि शॉक ज्यादा लग रहे हैं या आपकी गाड़ी की हाइट बहुत नीचे चली गई है शॉकर की वजह से, तो आप उसकी जो अंदर एडजस्टमेंट्स आते हैं आप उनके एडजस्टमेंट्स को चेंज करके उसकी हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप शॉकर्स की हाइट को बढ़ा सकते हैं, शॉकर्स की हाइट को कम रख सकते हैं, और यदि आपको नहीं पता एक्जेक्टली तो आप वही रखिए जो रिकमेंडेड हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यू कैन राइज द शॉकर्स इन योर व्हीकल टू टोटली डिफरेंट हाइट, तो आप जैसा रोड कंडीशन हो उसके हिसाब से अपनी गाड़ी की हाइट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस विद दिस देन डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गो विद द रिकमेंडेशंस ऑफ योर इंस्टॉलर फॉर व्हाट हाइट्स टू सेट देम एट। तो जो भी आपको जहां से आपने खरीदे शॉकर्स उनकी जो यदि जो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड है कि ये हाइट पे आपको इसको फिट करना है उसी हाइट के हिसाब से आप चलिए, यदि आपको ज्यादा तजुर्बा नहीं है कि कम या ज्यादा करने से क्या इफेक्ट होगा। द हाइट यू कैन सेट कैन अकोमोडेट द वेरियस काइंड्स ऑफ रोड कंडीशन दैट यू लाइक टू ड्राइव ऑन, तो आपकी कैसी कंडीशन, मान लीजिए आप नॉर्मल रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को बहुत ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है, आप उसकी हाइट कम रखिए, शॉकर्स को कम पे रखिए। लेकिन यदि मान लीजिए आप ऑफ रोड कंडीशन में जा रहे हैं, मान लीजिए आप डेजर्ट में जा रहे हैं या आप उबड़ खाबड़ रस्ते में जा रहे हैं, माउंटेन बाइक चला रहे हैं, तो आप क्या करिए हाइट को बहुत बढ़ा दीजिए जिससे कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिले और ज्यादा से ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब हो सके, राइट। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस आल्सो, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक के सिर्फ फायदे ही हैं, we have several disadvantages also. The hydraulic system suspension system may create a comfortable driving experience but it costs a lot of money as well. To dekhiye bahut mehanga padta hai, yadi hum baat kare hydraulic suspension system ki to ek ek suspension hi hamara 40-50,000 rupaye ka aata hai, aur ye aage hum abhi aur padhenge aur wo ek ek 2-2 lakh rupaye tak ke bhi suspension system aate hain, to bahut mehenge padte hain ye. Whether you purchase the hydraulic suspension kit or vehicle which already has this type of suspension system, you can expect to pay a lot of money than a steel spring suspension or a vehicle with that in it. तो या तो आप अलग से लगवाइए तो भी आपको cost bear करनी पड़ेगी, या फिर आपको ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं, bike खरीद रहे हैं या फिर car खरीद रहे हैं जिसमें hydraulic suspension system पहले से mounted है, तो automatically उसकी cost rise हो चुकी होगी, right? Plus the maintenance cost will be rather expensive for hydraulic suspension system. तो देखिए सिर्फ installation ही महंगी नहीं है, इसका maintenance भी उतना ही महंगा पड़ता है आपको। जब भी यदि hydraulic pressure कम हो जाता है, fluid कम हो जाता है, किसी तरह का leakage हो जाता है, तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। Since it is recommended that you regularly maintain them, your auto expense will add every year. तो आप देखेंगे कि हर साल आप उसको tune कराएंगे तो आपको हर साल उसकी maintenance पे कुछ न कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। Another disadvantage is the potential that hydraulic suspension have to leak fluid. तो देखिए एक बहुत important problem है कि अपन कितना भी अच्छा बनाते हैं लेकिन fluid leak होने की एक बहुत बड़ी conditions hydraulic suspension में हमेशा रहती है। All it takes is for one damper to become damaged or worn out and then hydraulic fluid will leak over the place. तो मान लीजिए एक भी damper आपके पास कहीं से भी यदि damage हो गया तो वहाँ से ही आपके क्या होता है hydraulic fluid leak हो जाता है। This will throw the entire suspension system out of wrench. तो क्या होता है यदि मान लीजिए एक भी सस्पेंशन सिस्टम का ऑयल लीक हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो एकदम से बेकार हो जाता है, काम नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपके हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ। दिस विल मींस मोर रिपेयर और रिप्लेसमेंट फॉर दीज पार्ट्स, मीनवाइल यू कुड सफर डैमेज टू अदर एरियाज ऑफ योर व्हीकल। तो ऐसा नहीं है कि डैम्पर में कोई प्रॉब्लम आई तो सिर्फ डैम्पर को ही नुकसान होगा, यदि मान लीजिए फ्लूइड निकल गया, डैम्पर ने काम नहीं किया, तो हो सकता है आप कोई और मेजर लॉस भी कर लें, किसी और तरह से ज्यादा झटका आपकी गाड़ी को लग जाए, वहां से कोई और चीज टूट जाए, एक्सेल टूट जाए आपका, कुछ और डैमेज हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। कंपेयर टू एयर सस्पेंशन हाइड्रोलिक सस्पेंशन आर बिलीव टू बी बम्पियर वेन यू आर ड्राइविंग। तो यदि हम एयर सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और हाइड्रोलिक सस्पेंशन के बारे में बात करें तो जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है वो बम्पी होता है, यानी कि क्या होता है वो थोड़ा ज्यादा जंप करता है एयर सस्पेंशन के। एयर सस्पेंशन इज मच मोर स्मूथ एज वेल एज इट विल गिव यू अ कंफर्टेबल राइड, ठीक है। तो एयर सस्पेंशन इज मोर प्रेफरेबल इन दिस कंडीशन। यदि आप यहाँ पर एक एडवांस की बात करना चाहें तो अब क्या हो गया हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम और ये थी कि जब वो लगातार काम करता रहता है तो उसके अंदर में क्या होता है जो फ्लूड होता है हाइड्रोलिक फ्लूड होता है उसमें फॉर्म्स बन जाते हैं, उसमें झाग बन जाते हैं और उसकी वजह से जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो टाइम के साथ कम हो जाती है। तो आप यदि लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, आप रेसिंग में पार्ट ले रहे हैं तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है फॉगी हो जाता है अंदर में वो क्या करता है फॉर्म बना लेता है और उसके कारण से उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक एडवांस हम लोगों ने सस्पेंशन सिस्टम यूज किया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रॉक्स सस्पेंशन सिस्टम। तो नाइट्रॉक्स का मतलब क्या है, नाइट्रोजन हम गैस इसमें यूज कर रहे हैं और उसके लिए हम एक छोटा सा सिलेंडर उसके साथ अलग से फिट कर देते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं इसका एक डायग्राम, यहाँ पर ये नॉर्मल वही हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम ही है लेकिन साथ में हमने क्या किया एक नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर एक ब्लैडर और लगा दिया है और इसको हमने यहाँ से वॉल के साथ में अटैच कर दिया है।
तो यहाँ पर हमारे पास एडजस्टर लगा हुआ होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्रेशन एडजस्टर, तो इसका कितना कंप्रेशन करना है वो आप इस एडजस्टर को खोल के कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही हाई प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन भरी हुई है, तो जैसे जैसे आप वॉल को खोलेंगे तो क्या होगा, इस चैम्बर के अंदर में नाइट्रोजन गैस चली जाएगी और वो क्या करेगी, इसके हाइट को एडजस्ट करेगी। तो आपको हाइट एडजस्ट करनी है तो आप इस कंप्रेसर एडजस्टर से कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये हो गया कि जब ये नाइट्रोजन गैस इसमें रहती है तो आपका जो कह सकते हैं कि जो आपके पास झाग बन रहे थे तो वो भी आपके पास जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है इस कंडीशन में, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप बाइक्स को चला सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है। तो यदि हम बात करें वर्ल्ड वाइड यदि सबसे अच्छे सस्पेंशन की नाइट्रॉक्स की, तो वो फॉक्स के हैं। फॉक्स का करीब करीब में ये देख लीजिए 4 सस्पेंशन सिस्टम 2 लाख रुपए के आते हैं, क्योंकि ऑल टेरेन व्हीकल जब हम लोगों ने बनाई थी तब हम लोगों ने भी इसके बारे में देखा था। तो ये जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, और जितने भी आप देखेंगे बाइक्स हैं या फिर रेसिंग साइकिल्स हैं या फिर जो भी मॉन्स्टर बाइक्स हैं और कार्स हैं, ये ज़्यादातर जगह पे फॉक्स के ही आपको सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलेंगे, और इनके अंदर में जो टाइप होता है वो नाइट्रोजन टाइप ही होता है। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।